हेलो दोस्तों, 8th की क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं और दोस्तों ये सारे चीज़ों में आप देख सकते हैं कि जो है ओबीसी, बीसी, एमबीसी, ईबीसी, बीसी1 या बीसी2, ये सारे में आपको अगर कन्फ्यूजन हो जाता है तो अभी कुछ ही देर में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। दोस्तों, बात करूँ अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो इसमें जो है बहुत सारे छात्रों में इसका कन्फ्यूजन बना होता है, तो चलिए इसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से एक चीज़ समझना होगा कि अगर आप कोई भी फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट में भरते हैं या केंद्र सरकार, आप कह सकते हैं कि जो है अपना फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे मान लेते हैं रेलवे में अगर आप फॉर्म अपना फिलअप कर दिए तो वहाँ आपको जो है दोस्तों इस कैटेगरी को लेकर एक ही ऑप्शन रहता है, वो रहता है ओबीसी। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि जो है बीसी, एमबीसी, ईबीसी, बीसी1 या बीसी2, ये सारे कैटेगरी को मिला करके जो है ओनली वन कैटेगरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है दोस्तों उसमें रखा गया है। यानी आप फॉर्म फिलअप करते समय आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा ओबीसी का। लेकिन दोस्तों जैसे आप बिहार सरकार में आएंगे तो वहां जो है आपको अलग अलग जो है मिलता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर हम बिहार गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ से बिहार सरकार की बात करें, यहाँ अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ भी जो है आपको अलग अलग देखने को मिलता है। यानी इस ओबीसी भाग आप देख रहे हैं कि इसे जो है कई भागों में जो है कैटेगराइज कर दिया गया है। तो इसे अच्छे से समझने के लिए जो है बिहार सरकार के अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ से आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों बीसी, देखिए ओबीसी को जो है अच्छे से समझने के लिए दो भागों में बांटा गया है। बीसी को ज़्यादातर जो आप कह सकते हैं कि जो है बैकवर्ड क्लासेस हैं और एक है ईबीसी, यानी एक्सटर्नली बैकवर्ड क्लासेस। एक हो गया पिछड़ा वर्ग और एक हो गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग। यानी ये बिहार सरकार में जो है ज़्यादातर मोस्टली ये देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जो है बीसी और ईबीसी जो है फिर अलग अलग केसेस में अलग अलग कौन सी जो है कैटेगरी हो जाते हैं। तो यहाँ से आप थोड़ा सा जब समझेंगे, जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे ये जो है यानी बी सी इजक्वल टू बी सी टू होता है। यानी बिहार में जो है बी सी और बी सी टू यानी एक ही कैटेगरी है, दोनों बराबर हैं। थोड़ा सा अंतर यही है कि इसके नाम को लेकर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बी सी हो गया बैकवर्ड क्लासेस यानी पिछड़ा वर्ग, लेकिन बी सी टू जो हुआ दोस्तों ये हो गया बैकवर्ड क्लासेस एनेक्सर 2 यानी पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2। बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसे आप अच्छे से याद रख सकते हैं कैसे दोस्तों, कि जैसे कि ये बीसी हो गया, इसमें दो ही वर्ड है बीसी 2, आप देख सकते हैं इसमें दो वर्ड है और यहाँ जो है इसे अनुसूची 2 में रखा गया है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ज़्यादातर कन्फ्यूजन यहीं से शुरू हो जाते हैं। अगर देखिए बीसी जो है वही है बीसी 2, यानी नाम अलग अलग है लेकिन दोनों एक ही कैटेगरी के अंतर्गत हैं। दोस्तों इसमें बात करते हैं कि जो है कौन कौन से कास्ट आते हैं, तो यहाँ से आप जो है और इसमें जो है क्लियर हो पाएंगे। तो हम थोड़ा कास्ट को लेकर चलते हैं दोस्तों। तो अब देखिए जो है अभी आप इसमें देख सकते हैं जो यहाँ BC2 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ जो BC2 लिखा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं कि जो है BC2, ये BC इजकल टू BC2, मैंने भी बताया कि ये दोनों एक ही है लेकिन जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है केवल इसके नाम को लेकर। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर कैटेगरी है, दोनों इक्वल हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसमें कौन कौन से जो है कास्ट आते हैं, अब पूरा जब इसमें देखेंगे तो अपना कास्ट को लेकर के यहाँ से दोस्तों श्योर हो पाएंगे। तो देख सकते हैं कि जो है इसमें बहुत सारे कास्ट जो है मेंशन है, आप देख सकते हैं लगभग जो है इसमें 30 कास्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है दोस्तों BC इक्वल टू BC2। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है फॉर्म फिलअप करते समय, यहाँ से सारे अपना जो है डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। यानी बिहार में BC को ही BC2 कहा जाता है, ये आपको भूलना नहीं है दोस्तों। उसके बाद थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं तो देख सकते हैं कि जो मैंने बताया कि BC को ही BC2 कहा जाता है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से दोस्तों कन्फ्यूजन बढ़ जाता है थोड़ा सा। आप देख सकते हैं कि जो है EBC यानी बिहार में जो है EBC इजकल टू MBC है, इजकल टू BC1 है। यानी बिहार में क्या होता है कि जो है EBC को ही MBC, MBC को ही BC1 कहा जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ से आप देख सकते हैं जो है EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग,
उसके बाद MBC दोस्तों मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, जिसे हम लोग अति पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं, और BC1 आप देख सकते हैं यहाँ से जो है BC1 यानी बैकवर्ड क्लासेस एनेक्सर 1, यानी इसको जो है पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बिहार में जो है EBC इक्वल टू MBC या इक्वल टू जो है BC1 होते हैं, यानी ये सारे को जो है अनुसूची 1 में रखा गया है। अब बात करें दोस्तों इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से कास्ट आते हैं, अपना कास्ट यहाँ से आप फाइंड करके इजीली फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि आप जो है EBC MBC BC में ही हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो है BC1 आप देख सकते हैं, यहाँ BC1 जो है कास्ट आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ से जो है BC1 इक्वल टू मैंने बताया कि जो है MBC है, उसके बाद दोस्तों यानी इक्वल टू दोस्तों EBC। तो यहाँ से आपके जो है कन्फ्यूजन थोड़े से जरूर दूर हो गए होंगे, और यहाँ से इजीली आप अपना कास्ट को फाइंड कर पा करके जो है दोस्तों अपना जो है श्योर हो पाएंगे कि जो है आपका क्या है, यानी BC1 MBC ये सारे बराबर हैं, जो मैंने तीनों ही बता रहे हैं ये सारे आपस में क्या है दोस्तों बराबर है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें जो है बहुत सारे कास्ट इसमें आपको देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं कि लगभग जो है इसमें यानी कितने कास्ट आपको देखने को मिलेंगे, लगभग जो है 100, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है इजीली 113 कास्ट इसके अंतर्गत हैं। तो यहाँ से इसका जो से आप देख सकते हैं कि सूची ही है जो है इसमें जो है इतने कास्ट हैं। तो दोस्तों आपके जो है सारे कन्फ्यूजन लगभग दूर हो गए होंगे। तो यहाँ से जो है तो दोस्तों ये चीज़ें जो है भली भांति समझ पाए होंगे कि जो है इसमें कौन कौन से कास्ट हैं और क्या है बिहार में। तो यहाँ से आप थोड़ा सा एक बार दोस्तों इसे आप रिकॉल जब हम करते हैं, थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि जो है बिहार में BC इक्वल टू BC2। तो दोस्तों ये चीज़ें आपके जो है कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय।